गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 7। सब्जेक्ट इज साइंस, चैप्टर 4, जिसका नाम है हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना यह चैप्टर। हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर। हीट एक एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को गर्म बनाता है। और अगर कहीं से हीट रिलीज हो रहा है तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। वैसे तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी सामान में हॉट है या कोल्ड है, ये हमें इजीली पता चल जाता है। बट ये हमेशा सही नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि अगर आप किसी भी गर्म पानी में अपना हाथ डाल के रखेंगे कुछ देर तक, उसके बाद से उसे थोड़ा सा कम गर्म पानी में अगर आप उसी हाथ को डालेंगे तो वह पानी आपको ऐसा लगेगा कि वो आपने ठंडा पानी में हाथ डाला है। ये ऐसा होता है। तो जो हम लोग का सेंस ऑर्गन है वो एक्यूरेट ये नहीं बताता कि कौन सा चीज़ कोल्ड है और कौन सा चीज़ हॉट है। हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा हॉट है और कौन सा कम हॉट है। जो कम रहता है वो हमारे लिए कोल्ड होता है। इसीलिए टेम्परेचर जो होता है किसी भी हीट कितना है उसमें, इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है थर्मामीटर। तो पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? किसी भी हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है वो टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे थर्मामीटर कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर, अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ ए हाई टेम्परेचर वेयर ए कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ ए लो टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर कैसे पता चलता है? तो हमें थर्मामीटर द्वारा पता चलता है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है कि कोई भी सामान जो है कितना, उसके अंदर कितने हॉटनेस कितना है या कोल्डनेस कितना है, ये जो मेजरमेंट है इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। द थर्मामीटर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ द डिग्री सेल्सियस। जो थर्मामीटर हमें जो थर्मामीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट, उसमें कैलकुलेशन किया रहता है। अ थर्मामीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉमनली टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। दो तरह के थर्मामीटर होते हैं। फर्स्ट होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड सेकेंड इज द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, इसके दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा कंपेयर बाद में करेंगे। फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा देखने में लंबा होता है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स रीडिंग्स होते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सबसे मिनिमम रेंज जो सबसे मिनिमम क्या है -10 और सबसे हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो मर्क्यूरी इसमें फिल रहता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जब तक उस चीज़ से हमें उसको टच करके रखेंगे तब तक हमें वो मेजरमेंट दिखाएगा, शो करेगा। जैसे ही हम उसे बाहर निकलते हैं वो तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक किंक नहीं होता है जो उस मर्क्यूरी को होल्ड करके रख सके टेम्परेचर क्या है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें अपने माइंड में रखना होगा। द फर्स्ट इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली रखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं रखना है व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर। सेकेंड थिंग, द थर्मामीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ द सब्सटेंस। लाइक अगर हॉट वाटर में करना है तो हॉट वाटर के अंदर उसको जो उसका जो बल्ब होता है उसको पूरी तरह से डुबा कर रखना है। द थर्मामीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के टच में नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाटर के टच में होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर व्हाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच
जब ये टच में हो तभी इसके रीडिंग्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। रीड द थर्मामीटर बाई कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से जो नज़र हम लोग एकदम समतल डायरेक्शन में रख के उसको मेजर करते हैं कि जो मर्करी है और कितने लेवल पे पहुंचा है, वही हमारा मेन रीडिंग होता है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, उसके जो बल्ब होते हैं उससे हमें उसको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वो क्या होगा उससे हमारे, जब तक हम उसको पकड़ करेंगे तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो मेजर करता है। हैंडल द थर्मामीटर विद द केयर, इट ब्रेक्स इफ इट हीट अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर जरा सा भी झटका लगने से टूट सकता है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से केयर करना होगा। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। वाई? क्योंकि जब हम लोग इसको लाइक हम बॉडी टेम्परेचर करते हैं, तो जैसे हम इसे माउथ में रखे हैं, माउथ से जैसे बल्ब बाहर निकालते हैं तो ये अपने इनिशियल पोजिशन में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर किंक बोल के ये नहीं रहता है, नैरो बेंड नहीं रहता है, जिससे जो मर्क्यूरी है वो नीचे की तरफ घिसक जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर, द थर्मामीटर यूज्ड फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें जो रीडिंग्स होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जैसे कि आप ये पिक में देख सकते हैं। इसके अंदर ये अपने किंक दिखाई दे रहा होगा जो बेंड किया हुआ है, ये इसलिए है कि मर्क्यूरी जब एक बार रीडिंग जब ऊपर पहुंचता है तो वह जल्दी नीचे नहीं आता है, जिससे हम अपने माउथ से बाहर निकाल के इसके रीडिंग्स को इजीली देख सकते हैं। और इसमें इसके जो ग्लास ट्यूब जो रहता है, ठीक है, उसके अंदर किंक जो जैसे मैंने बताया कि किंक रहता है, या इसका किंक का पिक देख सकते हैं यहाँ पे। इसके भी मेजरमेंट करने के समय कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसको देखते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड, पहले अच्छे से धो लेना चाहिए यूज करने से पहले और यूज करने के बाद भी। बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर वी शुड इंश्योर दैट द मर्करी लेवल इज इन इट्स ट्यूब इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस मार्क। 35 डिग्री सेल्सियस मार्क के नीचे होना चाहिए, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। द रीड द क्लिनिकल थर्मोमीटर बाई द कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ द साइट। लाइन ऑफ द साइट से इसको हम लोग मेजर करते हैं कि मर्करी किस लेवल पर पहुँचा है। द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नेवर बी द हेल्ड द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब भी हम इसे इसको रीड करते हैं तो इसके बल्ब को हमें टच करके नहीं रहना है, क्योंकि इसे क्या होता है कि वो हमारे शरीर को टेम्परेचर को टेम्परेचर से वेरिएट हो सकता है। हैंडल द क्लिनिकल थर्मामीटर विद द केयर, इसको भी बहुत ही हैंडल इजली मैंने बहुत ही केयर के साथ करना होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ यूजुअली टू टेम्परेचर स्केल्स मार्क्ड ऑन इट्स ग्लास ट्यूब ऑन टू साइड ऑफ द मर्करी ट्यूब। सेल्सियस और सेल्सियस में भी इसके टेम्परेचर मेजरमेंट जो दिया रहता है, और फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट दिया जाता है। फ़ारेनहाइट में ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एवरेज एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का टेम्परेचर है। हाउ डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क? क्लिनिकल थर्मामीटर यूज वर्क कैसे करता है? जब भी कोई पेशेंट का जो हम लोग का जो लाइक फीवर होता है या कुछ भी होता है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर या तो अप एंड डाउन हो जाता है, तो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर को हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फीवर मेजर करने के लिए क्या करता है कि पेशेंट के माउथ में रखते हैं और उसके बॉडी के टेम्परेचर को, ये मर्करी जो है एक लेवल पे जो मार्क है वहाँ तक पहुँच के हमें बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, तो हमें पता है कि इसमें 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, बट लेबोरेटरी में -10 डिग्री टू 110 डिग्री होता है। क्लिनिकल में हैज़ ए किंक होता है जो प्रिवेंट करता है कि मर्करी के बैक फ्लो को रोकता है, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता है।
द क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली देन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके साथ ही और भी थर्मामीटर्स हैं लाइक डिजिटल थर्मामीटर जिसके अंदर मरकरी यूज नहीं होता है, ये पूरी तरह से डिजिटल ही होता है। एंड द सेकेंड वन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, देर इज ए स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर विच इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ये मोस्टली आप जो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में जो डेली रिपोर्ट्स में वेदर रिपोर्ट जो दिखा शो करता है कि आज का टेम्परेचर मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, इसी थर्मामीटर द्वारा उसको मेजरमेंट किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट एंड फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मोस्टली जो होता है हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में होता है मोस्टली, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो इसके टोटल थ्री वेज हैं जिससे वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है बाई कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ द बाई कन्वेक्शन एंड थर्ड वन बाई रेडिएशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है, तो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर कंडक्शन प्रोसेस होता है, यानी जो हार्ड वन होता है जो सॉलिड होता है, ठीक है। एंड लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन होता है, और रेडिएशन जो होता है या किसी मीडियम के थ्रू नहीं होता है या स्पेस या एम्प्टी जगह पे होता है। तो हम लोग कंडक्शन का बात करें तो कंडक्शन में क्या होता है, लाइक अगर कभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक जब हम किसी मेटल स्पून को गर्म करते हैं तो उसका जिस पार्ट को हम लोग बर्नर के सामने रखते हैं वह गर्म होने के बाद धीरे धीरे वह हमारे हाथ जो कोल्ड पार्ट है जिसको हम लोग टच पकड़ के रखते हैं वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। या फिर लाइक हॉट स्पून गर्म है उससे अगर हम लोग टच करके कोई कोल्ड स्पून रखते हैं जो मेटल का बना होता है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वह गर्म हो जाता है। तो कंडक्शन इन द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मेटल एज अ होल। इसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल या मटेरियल में जब कंडक्शन जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है हॉटर पार्ट से होके लोअर पार्ट कोल्डर पार्ट में जाता है, बट इसमें कोई भी मटेरियल्स का मूवमेंट नहीं होता है, मटेरियल्स जो मूव नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर मूव होता है। वो कैसे मूव होता है, तो हर एक जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू कंडक्शन होता है और हीट आगे की तरफ मूव होता है। कंडक्शन जो है गुड कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं मटेरियल्स होते हैं उनमें होता है, एंड पुअर कंडक्टर मेटेरियल्स में नहीं होता है। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर्स को कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं और पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर ऑफ हीट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉट वाटर में एक मेटलिक स्पून रखें और एक प्लास्टिक स्पून रखते हैं तो मेटल का स्पून है पूरी तरह से गर्म हो जाता है, बट प्लास्टिक का जो स्पून होता है वह सिर्फ जिस जो पार्ट उसका पानी के अंदर हॉट वाटर के अंदर डूबा रहता है सिर्फ वही गर्म होता है, पूरा स्पून गर्म नहीं होता है। दज मेटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू द देम ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर, ओके। एंड दज मेटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल अगर देखें तो सिल्वर कॉपर जितने मेटल्स होते हैं आयरन मरकरी ये सब होता है, और एक पुअर कंडक्टर का एग्जाम्पल देखा जाए इंसुलेटर का तो वो होते हैं वुड पेपर क्लॉथ लेदर, ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लिक्विड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लिक्विड और गैस होता है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब हम लोग गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, लाइक अगर हमारा जो खाना बनाने का जो बर्तन रहता है
जो कन तो वो सब क्या होता है, वो मेटलिक पैन से बना होता है। मेटल कुकर जो होता है वो सब क्या होता है, मेटल से बना होता है। क्यों? क्योंकि ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो ये इजीली गर्म हो सकते हैं। ये इजीली गर्म होता है और हमारा खाना तुरंत पक जाता है। बट जो उसके हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि वह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वह गर्म नहीं होता है, जिससे हमें उसे पकड़ने में सुविधा मिलती है। गुड कंडक्टर आर यूज टू कैरी हीट क्विकली वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ हमें चाहिए वो, उसके लिए हम गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर आर यूज टू स्टॉप द हीट फ्रॉम गोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। पुअर कंडक्टर यूज कहाँ होता है, जब हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ द मेटल बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक और वुड। ओके, अब हम बात करेंगे, सम स्टेनलेस स्टील लाइक फ्राइंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद द कॉपर बटन। कॉपर बटन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए। मर्क्यूरी मेटल इज यूज इन मेकिंग द थर्मोमीटर बिकॉज इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो थर्मामीटर का मर्क्यूरी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। वाई डू वीयर वुलन क्लॉथ इन द विंटर? हम लोग ठंड के टाइम में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ड्यू टू विच वुलन क्लॉथ स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर वार्म बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। चारों तरफ ठंड होता है, हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको लूज नहीं करने देता है, इसीलिए हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं ठंड के टाइम में। एंड एक चीज़ और है, द एयर ट्रैप्ड इन द फाइबर्स ऑफ द वुलन क्लॉथ ऑल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर वार्म बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। जो फाइबर्स फैब्रिक में जो कपड़े में ये छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें बहुत सारे एयर ब्लॉक्स रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो हमारे टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे हमें हमारे शरीर को गर्म महसूस होता है। मोस्टली अगर आपसे बोला जाए कि मोटे ब्लैंकेट को यूज़ करने से ज़्यादा मच बेटर होता है दो पतले वुलन ब्लैंकेट एक साथ यूज करना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो वुलन पतले ब्लैंकेट में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी तरह से एयर ट्रैप्ड रहते हैं, जो पूरी तरह से हम ब्लॉक करके रखते हैं हमारे ये बॉडी के टेम्परेचर को बाहर निकलने में से ये करते हैं, रोक के रखते हैं। इसलिए हम लोग वो मोटे ब्लैंकेट की जगह दो पतले ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। द फीदर ऑफ द बर्ड्स कीप देम वार्म इन द कोल्ड वेदर ड्यू टू देयर एयर ट्रैप्ड इन देम। वैसे ही बर्ड्स में भी क्या होता है कि उनके जो पंख होते हैं वह उनको जो एयर ट्रैप्ड होता है उसके पंख में, वो उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ठंड के टाइम में, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए कुछ अभी पॉसिबिलिटी बढ़ गया कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसको इस वे में बनाया जा सकता है कि वह ज़्यादा गर्मी टाइम में हमारे ना गर्म हो और ठंड से भी हमें बचा कर रखे। समटाइम्स टू थिंग्स विच आर एट द सेम टेम्परेचर फील लाइक दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड के टाइम में लाइक आपके घर में दो क्या कहते हैं मटेरियल है, दो सामान है रखा हुआ है, एक मेटलिक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो गर्म महसूस होता है, बट जो पुअर कंडक्टर होता है वह उतना गर्म नहीं होता है। तो एक ही समय में अलग अलग में उसके हीट को हम लोग फील कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द लिक्विड टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ बाई द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस। किसी लिक्विड और गैस में जो हीट होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है? उनके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते, वो पूरे का पूरे लिक्विड जो होता है उसके पूरा पार्ट मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसके पूरे पार्ट जो है मूवमेंट करते हैं। गैस में भी ऐसा ही होता है, उसी तरह वो लोग एक जगह से दूसरे जगह एक दूसरे को पूरे तरह लाइक अगर वाटर है, वाटर को हम लोग जब गर्म करते हैं तो नीचे का पानी जो होता है वो सबसे पहले गर्म होता है, तो वो क्या करता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो
ऊपर का ठंड वाला पानी है वो नीचे आता है और फिर वो गर्म होता है और फिर वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस तरह कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे कन्वेक्शन इन वाटर। वाटर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमें पता है कि वो हीट का पुअर कंडक्टर है। वाटर ट्रांसफ़र हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, इसीलिए वाटर जो है अपने हीट को ट्रांसफ़र करता है कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा। ये जो आपका फिगर दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह हीट जब नीचे से प्रोवाइड किया जा रहा है तो जो वाटर है वो एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट में राउंड राउंड ये हो रहा है। जो हीट जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो कोल्ड वाटर है नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी देख सकते हैं ऐसे। हाँ, वाटर इज ए गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर नहीं होता बट कन्वेक्टर ऑफ हीट होता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज ऑल्सो फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द केटल। जो हमें पानी गर्म करने का जो मशीन रहता है उसका जो केटल नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक केटल लगाया जाता है वो नीचे की तरफ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नीचे के पहले जो पानी है गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जो ठंड पानी है वो नीचे आएगा और फिर उसे गर्म होना गर्म करेगा। इसलिए सेम वैसे ही कन्वेक्शन ऑफ कन्वेक्शन इन एयर के बारे में बात करें, एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बाई मूविंग इट्सेल्फ। लाइक अगर हम कहीं के एयर को गर्म करते हैं तो जो एयर हॉट एयर होता है ऊपर की तरफ उठता है वह आगे मूव होता है, तो जो कोल्ड एयर है वह नीचे आता है और इस तरह एक सर्कुलेशन चलते रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ हॉट एयर राइजिंग अपवर्ड्स एंड कोल्ड एयर सिंकिंग डाउनवर्ड्स टेक प्लेस अगेन एंड अगेन, ड्यू टू विच ऑल द एयर इन द रूम गेट्स हीटेड यूनिफॉर्मली आफ्टर सम टाइम। ठंड के टाइम में जब हम हीटर लगाते हैं, ये जो आप फिगर 13 देख सकते हैं, हीटर क्या करता है कि इस तरह अपने पूरे रूम को गर्म करता है। रूम हीटर हीट ऑल द एयर इन रूम बाई सेटिंग अप द कन्वेक्शन करेंट्स इन द एयर। वैसे ही जब आप सुबह के टाइम किसी बीच के पास में हो या फिर किसी नदी के पास में हो तो जो ठंड हवा है पानी की तरफ से ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन पहले गर्म रहता है वहाँ का जो हॉट वाटर है वो ऊपर हॉट एयर जो है ऊपर चला जाता है और जो कोल्ड एयर है पानी की ओर से हमारी ज़मीन की तरफ आता है। वहीं पे जब हम शाम के टाइम जाते हैं या रात के समय में तो पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है ठंड हो जाता है तो जो ठंड हवा है और पानी जो है इतनी जल्दी से ठंड नहीं होता है वो तो गर्म रहता है, तो वहाँ का एयर हॉट रहता है तो वहाँ का एयर ऊपर उठता है और ज़मीन साइड का जो एयर है कोल्ड वाटर एयर वह पानी की तरफ जाता है। ठीक है, ये आप अपने पिक में देख सकते हैं। अब हम थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इट्स हीट टू आवर हैंड हेल्ड बिलो इट बाई द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? लाइक जैसे हमारे रूम में जो येलो कलर का जो बल्ब होता है तो वो क्या करता है, जब भी कुछ समय बाद वो हमें हमारे रूम को या हमें गर्मी फील होता है हमारे हाथ पे या हमारे शरीर को, और या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल है लाइक सनलाइट। क्या होता है? सन जब आता है तो जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है, तो वह किस तरह हम उसकी जो गर्मी हम तक किस तरह पहुंचती है, तो द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट्स यानी गिव आउट इनविजिबल हीट रे इन ऑल डायरेक्शन। जो भी गर्म ऑब्जेक्ट्स होता है वह रेडिएट करता है, हीट को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ रेज, हीट रेज के फॉर्म में रेडिएट करता है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाई मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मेटेरियल मीडियम बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, वहाँ से जो हीट हॉट बॉडी होता है वहाँ से हीट रेडिएट होता है बाहर निकलता है और बाई रेडिएशन कोल्ड बॉडी तक पहुँचता है। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच ऑन द अर्थ, जिसकी बात कर रहे थे हम। सन से हीट जो है अर्थ तक कैसे पहुंचता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन।
द सन हीट रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इस जो हीट रेज को यहाँ पे हम लोग इंफ्रा रेड रेज कहते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव मेनी सिचुएशंस वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन थ्रू अ मीडियम कॉल्ड एयर। व्हेन वी स्टैंड द नेक्स्ट टू अ बर्निंग फायर वी कैन फील द हीट ऑफ द फायर फॉलिंग ऑन आवर फेस। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फायर टू आवर फेस बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। When we sit in the front of a room heater, we get heat directly by the process of radiation. A hot utensil kept away from the flame cools down, the transferring its heat to the surroundings by the radiation. Depending on the temperature of the surroundings, our body too gives the heat to surroundings or receive heat from the surrounding by the radiation. Like हमारे body में भी जो heat होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को गर्म करता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ऑब्जर्वर और हीट रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ हीट विच एन ऑब्जेक्ट कैन ऑब्जर्व बाय द रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंड करता है कि वह कितना हीट को रेडिएट करेगा या फिर ऑब्जर्व करेगा। लाइक The object having dark color absorb more heat radiation than the object having light color. जो dark color का heat कोई भी object होता है वह heat बहुत ही तेज़ी से और जल्दी radiate करता है और light color के object के comparison में। वैसे ही वह जिस तरह heat radiate करता है observe करता है ठीक उसी तरह वह इमिट भी करता है। इमिटर्स भी होते हैं वैसे ही। द हॉट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर इमिट मोर हीट रेडियंस देन द हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डार्क कलर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वह किसी भी हीट को जल्दी ऑब्जर्व भी करेगा और उसको जल्दी निकाल भी देगा इन कंपेरिजन ऑफ डार्क ये क्या कहते हैं लाइट कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर इसीलिए लाइक हम लोग जब कोई गर्मी में ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। मोस्टली लोग पीपल क्या करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि गर्मी के टाइम में लाइट कलर के कपड़े पहनने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और विंटर टाइम में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। कलर ऑफ हाउस। कलर ऑफ हाउस हमने देखा है कि मोस्टली जो हॉटर प्लेसेस हैं वहाँ के जो हाउस होते हैं या तो लाइट कलर में होते हैं या वाइट कलर में होते हैं। बट लेकिन जहाँ पे ठंड जहाँ होता है वहाँ पे या तो डार्क कलर होता है या ब्लैक में उसको कलर किया जाता है जिससे उन लोगों का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर जो होता है उसके जो बॉक्स होते हैं वह ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ रहता है क्योंकि वह जल्दी ऑब्जर्व कर सकता है मैक्सिमम हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन।